शक्तिपुर नाम के एक गांव में टिपका नाम का एक छोटा सा बैल अपनी माँ के साथ रहता है। टिपका बैल की माँ इधर उधर की मेहनत करके अपने बेटे को बड़ा कर रही थी, लेकिन अब उसकी भी सेहत साथ नहीं दे रही है। आप आज काम पर नहीं जा रहे हो क्या माँ? मेरी तबीयत हमेशा खराब रही है केकर, मुझे कोई भी काम नहीं दे रहा है बेटा, इसीलिए आज घर पर हूँ। इसका मतलब अब से हमें भूखे ही रहना होगा, है ना माँ? हम इतने गरीब जो हैं। तुम ये सब बातें करने के लिए अभी छोटे हो बेटा, जाओ जाकर बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलो, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। ठीक है कहकर टिपका खेलने के लिए चला जाता है अपने दोस्तों के साथ, और उसकी माँ ये तो कह देती है कि वो कुछ ना कुछ करेगी, लेकिन असल में उसके पास कुछ भी करने के लिए कोई उपाय नहीं था, इसलिए सोच सोच कर और भी बीमार होने लगती है। उसी गांव में चिंचा नाम का एक धनवान बैल रहता है। चिंचा उसकी सारी कमाई उसके खेत में अलग अलग तरह की फसल उगाकर कमाता है। इतने पैसे होने के बावजूद भी चिंचा उस गांव का सबसे बड़ा कंजूस है। लेकिन मैं तो सिर्फ एक ही बार गया था साहब जी, बाथरूम को कौन रोक सकता है भला? अब ये बिल्कुल भी सही नहीं कह रहे हो। अगर एक मच्छर मुझे काट ले तो मैं उसे भी पकड़ कर अपना खून वापस ले लेता हूँ। ऐसे में मेरे पास काम करने के बहाने तू 5 मिनट के लिए गायब हो जाएगा तो मैं उस 5 मिनट के पैसे यूं ही दे दूंगा कहकर कैसे सोच लिया है तूने? अब ये बिल्कुल भी सही नहीं कर रहे हो। तेरे जैसे कंजूस के यहाँ काम करने से अच्छा है मैं भूखा ही सो जाऊं। ऐसे कहकर वो बैल वहाँ से चला जाता है, लेकिन चिंचा को किसी की भी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए जाकर टिपका उसी चिंचा बैल के खेत से कुछ मकाई के भुट्टे और खाने की चीजें तोड़ कर लेकर आता है। आज तो बहुत मजा आया है दोस्तों। अच्छा मैं अब घर जा रहा हूँ, कल मिलता हूँ। ऐसे कहते हुए टिपका घर लौट जाता है। वहाँ पर उसकी माँ भूखे पेट सोने की कोशिश कर रही थी। वो देखकर जाकर टिपका अपनी माँ को उठाकर वो खाने की चीजें देता है। वो ये सब कहाँ से लेकर आया है कहकर उसकी माँ पूछने पर बाद में बताऊंगा कहकर बात को टाल देता है टिपका। ऐसे हर रोज अपना खेल कूद बंद करके चिंचा बैल के खेत से खाने की चीजें चुराने लगता है टिपका, और इस बात का अंदाजा हो जाता है चिंचा बैल को। कोई तो मेरे खेत में से सामान चुरा रहा है, और पता नहीं हर रोज मेरे कितने नुकसान हो रहा है। जिस दिन भी हाथ लगेगा उस चोर से एक एक पैसे का हिसाब लूंगा। ऐसे कहते हुए चिंचा बैल भी उस चोर के इंतजार में ही बैठा रहता है। ऐसे कुछ दिन गुजार जाते हैं, और एक दिन चिंचा का खेत में घुसकर आया हुआ टिपका चिंचा को नजर आता है। तो तुम ही हो वो चोर, मेरे खेत से हर रोज जितनी भी सब्जियां चोरी हो रही है मैंने इन सब का हिसाब करके रखा है, अब निकालो मेरे पैसे। कौन से पैसे और किधर के पैसे? मेरे पास कोई पैसे नहीं है। तुम बेवकूफ हो, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम अपने सामान ख्याल रखना ही नहीं आता है। ऐसे कहते हुए टिपका वहाँ से चला जाता है, लेकिन चिंचा भी इतनी आसानी से चुप बैठने वालों में से नहीं है, इसलिए वो टिपका के घर आकर झगड़ा करने लगता है। तुम्हारे बेटे ने ही मेरे आंखों के सामने चोरी की थी, अब पैसे तो लौटाना ही होगा ना।
मेरा बेटा और चोरी, मैं ये मान ही नहीं सकती हूँ। वो मेरा बेटा है। घर लौटने के बाद मैं खुद उससे बात करके देखती हूँ। तुम जाओ अब मेरे घर के सामने से। ऐसे चिंचा बेल यहाँ पर टिपका बेल की माँ से झगड़ा कर रहा था और टिपका बेल इस बीच में जाकर फिर से चिंचा बेल के खेत में चोरी करता है। आखिर में चिंचा हार मानकर, तुझे रोक पाना मेरे लिए मुश्किल है लड़के, इतना बड़ा खेत जो है, इसीलिए मैं तुझे मेरे खेत को चोरों से बचाने की नौकरी देता हूँ, बदले में थोड़े से पैसे और सब्जियाँ ले ले। ठीक है कहकर टिपका उसकी नौकरी करने लगता है और अपनी माँ को खाने के लिए या किसी भी और चीज के लिए परेशान होने नहीं देता है। तुलापुर नाम के एक गांव में हरिया नाम का एक व्यक्ति रहता है। हरिया के पास 4-5 गाय है। उनके दूध से हरिया का अच्छा व्यापार होता है, लेकिन वो उन गायों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता है। उन बेचारी गायों के रहने के लिए एक छत भी नहीं है। चाहे धूप हो, जोरों की बारिश हो या जमा देने वाली बारिश, ऐसे ही रहना पड़ता है उन गायों को। इतनी गायों को संभाल नहीं सकते हो तो बेच दो ना, क्यों इन्हें ऐसे परेशान कर रहे हो? मैं भी यही सोच रहा हूँ। बहुत पैसे कमा लिए, अब इनका जरूरत नहीं है मुझे। किसी बेवकूफ को देखकर बेच देनी चाहिए। उसी गांव में बिरजू नाम का एक और व्यक्ति भी रहता है। बिरजू बहुत ही शांत और पुरानी सोच वाला है। उसकी इस आदत के बारे में जिसे भी पता होता है, वो बिरजू को बड़ी आसानी से बेवकूफ बना सकते हैं। अरे बिरजू भाई, कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। तुमसे एक जरूरी काम है मुझे। मैं हरिया से मिलने के लिए जा रहा था। बताओ तुम्हें क्या काम है? कुछ नहीं, बस मैं तुम्हारे पैसे लौटाना चाह रहा था। लेकिन मुझे लौटाने के लिए पहले कुछ और पैसों की जरूरत है। अगर वो मिल जाते तो अच्छा होता। ठीक है कहकर बिना सोचे उस व्यक्ति को पैसे देकर वहाँ से चला जाता है बिरजू। और ऐसे जाकर बिरजू हरिया से मिलता है। हरिया उसे ये वो बातें बताकर गायों को ज्यादा दाम में बेचने की कोशिश करता है। हाँ, ये एक तरह यूँ ही समझो कि मेरे गाय दूध के रूप में सोने देते हैं। इसीलिए आज मैं इतना धनवान हूँ। लेकिन अब मैं इन सब से छुट्टी ले रहा हूँ। तुम तो अभी इतने जवान हो, अभी से छुट्टी क्यों ले रहे हो? और इतनी अच्छे गाय बेचकर अपना नुकसान क्यों कर रहे हो? वैसे भी तुम इतने ज्यादा धनवान भी नहीं हो अभी। मेरी पहली बात सच है, मेरी गायें दूध सोने की तरह देती है, लेकिन उनका ख्याल रखना मेरा बस की बात नहीं है। इसीलिए मैं अपने पास एक गाय रखकर बाकी के बेच रहा हूँ। चाहिए तो लो या फिर चले जाओ। हरिया जो कहकर बिरजू को अपने गायें बेचने के लिए आया था, वो बात उल्टी पड़ गई थी। इसलिए किसी और को बेवकूफ बनाने के बारे में सोच रहा था। लेकिन बिरजू भी अजीब था। 2-3 दिन इंतजार करके फिर से हरिया की गाय खरीदने के लिए आता है। मैंने बताया था ना, मेरे गाय दूध के रूप में सोने देते हैं। कोई बेवकूफ ही होगा जो इन्हें खरीदने से इनकार करेगा। मैं इसीलिए नहीं आया हूँ कि तुम्हारी गायें इतनी अच्छे दूध देती है। मैं इसीलिए आया हूँ क्योंकि मेरे दिमाग से वो बात नहीं जा रही है जो तुमने कही थी कि तुम अपनी गायों का ख्याल रख नहीं पा रहे हो कहकर। इसीलिए मैं आया हूँ। ऐसे कहते हुए बिरजू अपने सारे पैसे लगाकर उन गायों को खरीद लेता है
उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखता है, वक्त पर हरा घास डालता है, एक अच्छे तबेले में भी रखता है। उस तबेले में हर मौसम से बचने के लिए सुविधा थी। एक दिन ऐसे ही अपने गायों को घास डालने के लिए आए हुए बिरजू की आंखें फट गई थी। इस तबेले में जो गायें थी वो सोने की बन गई थी। क्या जादू है? किसी ने पेंट किया है क्या? यह गाय सच में सोने की बन गई है। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। ऐसे कहते हुए बिरजू उन गायों का दूध निकलता है, वो भी सोने का ही आ रहा था। तब बिरजू को यकीन हो जाता है कि वो गाय सच में सोने की हो गई है, और उनका अच्छे से ख्याल रखने की वजह से बिरजू की भी इस तरह से मदद कर रहे हैं। जिंदगी भर अपने सर पर एक झटके लिए तरस गई होगी ये गाय, इसीलिए अब सब कुछ मिलने पर खुशी होकर मुझे खुशी दे रहे हैं। ऐसे कहते हुए बिरजू उन गायों का थोड़ा थोड़ा दूध बेचकर बहुत बड़ा धनवान बन जाता है। वो देखकर हरिया उससे मिलने के लिए आता है। मैंने तो इन गायों के बेचने के बाद और भी ज्यादा कंगाल हो गया हूँ। तुम्हारे पास अचानक से इतने पैसे कहाँ से आए? तब बिरजू उसे सारी बात बताता है, कैसे उसने गायों का ख्याल रखा और बदले में गायों ने उन्हें क्या दिया। उसकी बातें सुनकर हरिया हैरान हो जाता है और उसकी बची हुई गाय का अच्छे से ख्याल रखूंगा कहकर दुखी होकर वहाँ से चला जाता है।